नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अर्थप्रकाश टीवी पे। मैं मनीष कुमार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 22 ए के स्कूल के अंदर, जहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा एक जो बस यहाँ पर रखी गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस के द्वारा साइंस बस यहाँ पर, मतलब कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है कि हर चंडीगढ़ के स्कूल के अंदर जाके बच्चों को साइंस को लेकर के नॉलेज दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर। सर थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या, मतलब बच्चों को आपने क्या क्या समझाया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। सर अंदर वेरियस टाइप के फिजिक्स केमिस्ट्री ते बायो के प्रोजेक्ट्स ने, जिंदे नाल असीं बच्चों नूं इंडीकेटर्स बारे, पुलिस बारे, फिजिक्स मैथ्स के बारे असीं दसदे हां। इहदे अंदर बहुत सारे एक्सपैरीमेंट्स ने, जिंदे नाल हुण आपां जिवें ट्री नूं देखदे हां, ट्री दे रिंग्स ने, ट्री दे रिंग्स ने, ते आपां ट्री दी एज फाइंड आउट करनी है। ते ट्री दी एज किवें, हुण ट्रीज दे अंदर छोटे छोटे इदां दी लाइनस दिख रही होणगीआं तुहानूं, रिंग्स। ऑब्वियस गल है, जिवें जिवें ट्री दी एज इनक्रीज करदी है, ट्री दी विर्थ की होएगी, इनक्रीज़ होएगी। और जिवें उनकी विर्थ इनक्रीज़ होएगी, उनके लाइनस और उनकी रेडियस सर्कल्स भी की होंगे, इनक्रीज़ भी होंगे। ठीक है, अंदर एवें तो बहुत सारे एक्सपैरीमेंट्स ने जिहड़े आपां बच्चों नूं शो कर सकते हैं। इत्थे जिहड़ी भाजी इस बस दे विच जिहड़े हैगे ने, मतलब सारा कुछ, एक किन्ने तरह दे आ, ते क्या क्या नॉलेज इस तों बच्चों नूं मिलेगी? 150 तरह दे ने, 150 तरह दे वक्रे वक्रे एक्सपैरीमेंट्स ने, जिहदे नाल बच्चा एक तरीके नाल देख के, सीख के, ऑब्जर्व करके अपनी लर्निंग नूं की करेगा, इनक्रीज़ करेगा। जिवें आपां बेसिकली एक कंसैप्ट पढ़दे हां लर्निंग बाय डूइंग, ते ओह डूइंग करन वास्ते असीं बच्चियां नूं, जिन्हां कोल जिहड़े स्कूल च लैब्स नहीं, कुछ भी नहीं हैगा, असीं उहनां नूं इह चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਫੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਨੋ 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 ਸਰ, ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਰ ਤੇਜ਼ ਸਰ, ਇਹ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹੀਓ ਹਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਲਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀਓ ਹਲਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਲਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਸਿਰਕਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹੀਓ ਹਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸੋਪਸ ਆਪਣੀ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਥ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂਥ ਹੈ, ਪਾਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਥ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਥ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਾਥ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸਰ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੈਮ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਆ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕੋ, ਕਿਆ ਕੁਛ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਬਤਾਇਆ। सर बेसिकली ये डबल कोन है, यूजली जैसे हमने देखा है कि अगर हम किसी चीज़ को, अगर मैं ऊँचे की तरफ रखेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये साइंस के कुछ लॉज हैं जो बच्चे शायद पढ़ के उतने बेटर वे से ना सीख सके, जितना हम उनको दिखा के एक्सपेरिमेंटली वो अपने खुद करके वो सीख पाएंगे। कितने तरह की जो आप मतलब समझाती हैं, तो कितने तरह की चीज़ें मतलब इस बस के अंदर उपलब्ध है? और मैम एक चीज़ और है इसमें खास, कि ये चीज़ समझ के बच्चे अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सर घर पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सेफली कर सकते हैं, जैसे मैंने वो हल्दी वाला एक्सपेरिमेंट अभी करके दिखाया है मेरे स्टूडेंट्स ने, तो वो एक्सपेरिमेंट घर पे हो सकते हैं, लेकिन जो केमिकल या टॉक्सिक हैं वो हम उनको घर पे करना अलाउ भी नहीं करेंगे। और कोशिश होती है कि वो एक्सपेरिमेंट हमारी, अगर उनको ऐसा है कोई स्टूडेंट करके देखना चाहता है, तो हमारी लैब्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, वो वहाँ पर आएँ, वहाँ पर अगर उनको कुछ ऐसा करके देखना है तो हम ज़रूर करवाएंगे। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी साइंस कैंप्स करवाती है सर, वहाँ पर जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल्स के, वो आए होते हैं, अराउंड 200 स्टूडेंट्स एक टाइम पे होता है वहाँ पे, हम इस बार से उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे हैं। वो चीज़ और मुझे बताना कि जैसे आपके पास आज कम से कम भी बहुत सारे बच्चे आए, गिनती नहीं है, और आज से पहले इन चीज़ों से उनकी पहले रूबरू हुए, कभी उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं आज से पहले, या कि आपने उनको समझाई है, या आपकी टीम?
सर ये चीज़ें उन्होंने किताबों में देखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, बहुत कम होता है, जैसे रूरल या गवर्नमेंट स्कूल्स के में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। इवन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने ऐसे रखे हैं अपने रिसर्च लैब्स में से जो प्लस वन टू के स्टूडेंट्स के करिकुलम में भी नहीं है। ये रखने का मेन पर्पज़ ये है कि वो साइंस में इंटरेस्टेड रहें और हायर एजुकेशन जो साइंस की है उसकी तरफ वो इंक्लाइंड रहें। साइंस बस है, बस का अगला स्कूल कौन सा होगा? सर फिलहाल हम जो चंडीगढ़ एरिया को कवर करने में लगे हुए हैं, उसके बाद फतेहगढ़ साहब, अमृतसर, पटियाला, पूरे पंजाब रीजन को हम कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे पंजाब के साथ हिमाचल को भी इसमें कवर किया जाए। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कुछ मैम की जिन्होंने हमारे को बताया कि जैसे कि इसके बारे में कि क्या क्या जानकारी है और बच्चे घर पर यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ उमेश कुमार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।